नमस्कार, वैशाली कहानी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है लाल मूली की सब्जी। आज मैंने लाल मूली की सब्जी बनाई है, जिसमें मैंने मूली का यूज़ तो किया ही है, साथ में उसके पत्ते भी डाले और साथ में मैंने तुअर या अरहर की दाल भी डाली, जिससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती। तो चलिए देखते हैं सब्जी में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। लाल मूली और उसके पत्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने मूली को धो लिया अच्छे से, तो अब मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखिए, मैंने मूली को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया और उसके जो पत्ते हैं और ये जो उसकी टहनियाँ थी वो भी अच्छी नरम नरम थी, तो वो भी मैंने काट लिया, एकदम बारीक काटा हुआ है। और दो बड़े टमाटर काट लिए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ तुअर की दाल। इसे बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी, इसको तुअर की दाल या अरहर की दाल होती है वो बोलते हैं। और मैंने लगभग 1 से 2 घंटे के लिए इसे भिगो के रखा था। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया, 1 छोटा चम्मच या 1/4 चम्मच हींग लिया हुआ है। तड़के के लिए 1 चम्मच राई ली हुई है, लगभग 6 से 7 कलियाँ लहसुन के लिए इसे बारीक मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो तेल गरम हो ही रहा है, तो मैं इसमें राई डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें बारीक कटा लहसुन और अदरक भी डाल देती हूँ, क्योंकि मूली की सब्जी मूली थोड़ी सी बादी होती है, तो लहसुन अदरक हींग जरूर डालें। जो लोग लहसुन नहीं खाते उसमें अदरक हींग डालें। और गैस की आंच मैंने कम रखी हुई है, फ्राई भी अच्छे से क्रैकल हो रही है, हल्का सा भून लेती हूँ। ये देखिए, लहसुन और अदरक को हल्का सा भून लिया है। अब मैं बाकी के मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी, मिर्च पाउडर डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस की आंच मैंने बिल्कुल धीमी रखी हुई है, तो अब मैंने ये जो तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, वो डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, साथ ही मैं इसमें नमक टमाटर सभी कुछ डाल दूँगी। टमाटर 2 बड़े टमाटर लिए हुए हैं मैंने, स्वाद अनुसार नमक, तो नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दाल को पहले से भिगो के रखा था तो ये जल्दी से पक जाएगी। तो साथ में अपने मूली और इसके जो पत्ते मैंने काट के रखे हैं बारीक, वो भी डाल दूंगी। सभी कुछ एक साथ अच्छे से पक जाएगा। अगर टमाटर का ज़्यादा पानी नहीं छूटता है तो आपको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा छिड़काव करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम ढक करके पकाएंगे, जो टमाटर डाला है, नमक डाला है, स्टीम से अपना जो पानी सब्जियों में छूटता है उससे आप पहले पकने दें, पानी ना डालें। अगर आपको लगता है कि मूली थोड़ी कड़क है या नहीं पकी है तो ही पानी डालना, नहीं तो ऐसे ही पकने दें, तभी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और आप देख सकते हो कितनी कलरफुल ये सब्जी लग रही है, मूली का कलर, दाल उसमें, हरे पत्ते, तो कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, सभी कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, मूली और पत्ते, दाल, मसाले, और बहुत बढ़िया कलर आ गया है। तो अब बिल्कुल धीमी आंच पे सब्जी को पकने दूंगी और ढक दूंगी अभी, और 2 से 3 मिनट बाद हम फिर से चेक करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, तो एक बार देख लेती हूँ। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, हमने सब्जी में टमाटर डाला हुआ था, तो उसका अपना एक पानी छूटता है, मूली का, पत्तों का, तो अगर आपको लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है तो ही आप थोड़ा सा पानी छिड़कें। तो अभी मैं ऐसे ही भूनते हुए पकाऊंगी, अगर ज़रूरत लगेगी तो ही पानी डालूंगी, पर अभी नहीं डाल रही हूँ। तो अब मैं ढक के इसी तरह से पकने दूंगी,
लगभग 10 मिनट हो चुके हैं मूली और मूली के पत्ते की सब्जी को बनते हुए। तो अभी अच्छे से बन चुकी है और मैंने जो सब्जी में तुअर की दाल डाली थी तो वो मैंने पूरी तरह से गलानी नहीं है, हल्की सी क्रंची मुझे अच्छी लगती है। और ये देखिए, और मूली तो हम सलाद में कच्ची खाते ही हैं, वो भी आप थोड़ी सी क्रंची रखें तो बहुत टेस्टी लगती है। वैसे आप गलाना चाहें तो पूरी तरह गला सकते हो। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल भी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, दाल भी पक चुकी है और मूली भी पक चुकी है। तो सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म मूली की सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी, पराठा और ये सब्जी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि लाल मूली और उसके पत्ते की सब्जी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।